नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। कैसे हैं सभी? उम्मीद है बढ़िया होंगे। लेकिन एक जो बहुत लंबा इंतजार हो गया आप सभी के लिए, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए, वर्ष 2021 से सुनते हुए चले आ रहे हैं, 2021 का अप्रैल लगने वाला है। और अब कहीं उड़ती उड़ती खबर न्यूज़पेपर के माध्यम से ये पता चलती है कि नहीं, अब अप्रैल में इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो इस पे हम लोग का आपके समक्ष आना और सब कुछ सटीक बताना कि क्या एग्जैक्टली होने वाला है, कि आप लोग के जैसे ही कोई कटिंग आती है आप लोग के फोन्स कॉल्स आना शुरू हो जाते हैं, तो इस चीज़ को यहाँ पे क्लियर करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। सबसे पहले तो इन पेपर वालों ने क्या लिखा है उसको बता देता हूँ, और उसके बाद मैं बता देता हूँ कि पुलिस भर्ती बोर्ड में क्या चल रहा है, क्या एग्जैक्टली होने वाला है। वो चाहे आपकी कांस्टेबल की परीक्षा हो, चाहे रेडियो ऑपरेटर की परीक्षा हो, चाहे कंप्यूटर ऑपरेटर की परीक्षा हो, या फिर आपकी नई भर्ती एसआई एएसआई की बात हो, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। इसमें इसने क्या किया कि 35,000 सिपाही भर्ती प्रक्रिया अप्रैल से शुरू करने की तैयारी हो रही है, ठीक है। अब अगर इसको देखा जाए तो 35,757 पद की बात हो रही थी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि टोटल कितने पद आने वाले हैं, जो बच्चे ये नहीं जानते। इन्होंने तो 35,000 लिख दिया है, 35,757 पद हैं। इनमें से अगर देखा जाए तो 26,000 जो 210 पद हैं वो नागरिक पुलिस के हैं, मतलब सिविल जो होते हैं कांस्टेबल वो होंगे। उसके बाद 8,540 जो पद हैं ये आरक्षी होते हैं, जो पीएसी वाले होते हैं, ठीक है, पीएससी वाले होते हैं, इनके होते हैं। और इसके बाद भी जो 534 पद हैं ये आपके जो सिपाही होते हैं, ये कुशल खिलाड़ियों की जो भर्ती होती है, इनको मिला के टोटल 35,757 समथिंग। इसमें करके कुछ और वैकेंसीज 1,007 पद, इसमें फायरमैन का भी इंक्लूड होगा, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ, 1,007 पद इसमें क्या होगा, फायरमैन का भी इंक्लूड होगा, ठीक है। अब इसी में लगे 35,757 पद लगभग जो आपके इसमें बन रहे हैं कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में, इनका आपका अधियाचन मिल चुका है और इसका फॉर्म निकलना था। अब सबसे बड़ी बात यह है, वही इन्होंने पेपर वालों में भी लिखा है कि 26,200 सिपाही फायरमैन के, 1,007 पीएससी के, 8,540 सीधी भर्ती व अधियाचन अगस्त 2022 में मिला था। वर्तमान में भर्ती बोर्ड सिपाही के 534 पदों पर कुशल खिलाड़ियों की भर्ती प्रक्रिया को पूरी करने जा रहा है। ये जो 534 वाला चल रहा है इस पर प्रक्रिया चालू है, और अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये आपका टोटल बाकी 35,757 पद की बात, जो अभी नया होना है उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। लेकिन मैं आपसे पहले ही बोल दिया था कि यहाँ पे कई बार ऐसा हो चुका है कि वहाँ पे कंपनी को वहाँ पे निविदा दी गई है और ये बता दिया गया था कि एक ही कंपनी ने क्या किया है, यहाँ पे केवल अप्लाई किया है, तो हम कैसे एक ही कंपनी के बिहाफ पे पेपर करवा लें। इसके पीछे भी बहुत बड़ी राजनीति थी। सबसे बड़ी राजनीति तो बच्चों ये है कि 2024 में इसका चुनाव लगा हुआ है, और अभी उत्तर प्रदेश में शासन की बात करूँ तो शासन में क्या चल रहा है। अगर मैं योगी जी की बात करूँ तो योगी जी अभी इससे पूर्व में जितनी भर्तियाँ हुई हैं बाकी सब पे स्टे लगा के अभी केवल उनका नियुक्ति पत्र वितरण करने में लगे हुए हैं। वो चाहे पीसीएस की परीक्षा सम्मिलित हुई हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा सम्मिलित हुई हो, इधर आपका यूपी ट्रिपल एससी से जैसे एएनएम वगैरह का हुआ था, इन सब में ही अभी योगी सरकार ये दिखाना चाह रही है कि वर्ष 2022 के कैलेंडर में कितनी भर्तियों में कितना इन्होंने क्या किया है, नियुक्ति पत्र वितरण किया है। और इसके बाद ही, क्योंकि सब कुछ शासन से, एक बात बता दूं कि इस सरकार में जो भी चीज़ें चल रही है वो शासन के कंट्रोल में बहुत चल रही है। कोई भी आयोग, कोई भी भर्ती बोर्ड बिना शासन के कुछ नहीं करता है, और ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये सब कुछ आपको मैनिपुलेट की जाती है। हाँ, ये बात अलग है कि जब इनके पास कोई जाता है पूछता है तो ये बोला जाता है हाँ हाँ इस पे काम चल रहा है, अगले महीने से काम हो जाएगा। लेकिन एक बात तय है कि इसकी भर्ती कांस्टेबल की, क्योंकि 35,000 पद हैं लगभग, और 35,000 पद बहुत बड़े पद होते हैं, इनका सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश शासन इस बात का ठप्पा लगाएगी कि हमने फिर से 35,000 का पद, 35,000 पद दिए हैं, 35,000 एक बल्क की वैकेंसी होगी और इस पर ये काम तेजी से करेंगे। तो बाकी सारी वैकेंसीज, उत्तर प्रदेश पुलिस बोर्ड भर्ती बोर्ड की बात करूँ तो उनमें जितनी भी नई वैकेंसियाँ आनी हैं उनमें सबसे तेज जो काम होने वाला है वो किस पे होने वाला है, वो कांस्टेबल भर्ती परीक्षा पे होने वाला है। और वो समय अब आ भी गया है क्योंकि गत वर्ष के चुनाव में भी ज़्यादा समय नहीं बचा है। एक बात आप लोग समझिएगा कि ये लोग इतना तेजी से चीजें करेंगे कि किसी चीज को, किसी को समय नहीं मिलेगा, आपकी तैयारी को शायद 2 महीना या 3 महीने बिना मिले। आवेदन प्रक्रिया इधर चल रही होगी, पेपर उधर बन रहे होंगे और आपका एडमिट कार्ड उधर जारी हो जाएगा। ये बात आप समझते हुए चलिए, विद इन 3 मंथ
आपके फॉर्म भरने से लेके आपका पेपर करवा लिया जाएगा। तो जो बच्चे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं वो अभी से अपनी कमर कस लें, अन्यथा आपको बाद में थोड़ा सा समय कम मिलेगा और पछताना भी पड़ जाएगा। बहुत अच्छा चांस है, बहुत तेजी से पेपर होगा। दूसरी बात, पेपर ऑनलाइन या ऑफलाइन करने की बात हो रही है, तो जब जाहिर सी बात है कंपनी ही नहीं डिसाइड हो रही है, तो कैसे ऑनलाइन ऑफलाइन की बात यहाँ पर डिसाइड कर लेंगे। बहुत बार बोलते हैं ऑफलाइन, कई बार बोलते हैं ऑनलाइन, बट जो भी होगा ऑफलाइन हो तो ज़्यादा बेटर है, ऑफलाइन हो तो ज़्यादा बेटर है। ऑनलाइन में सर्वर हैक्स बहुत ज़्यादा चलते हैं, तो हम भी ऑफलाइन के फेवर में रहेंगे और भर्ती बोर्ड भी ऑफलाइन पे ही विचार कर रहा है, और हो सकता है कि ऑफलाइन पे ही सुनने को मिले, बट ये अंतिम निर्णय बोर्ड का ही होगा कि ऑफलाइन हो रहा है या ऑनलाइन हो रहा है। और ये मैटर हमें ज़्यादा नहीं करता कि ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा, हमें मैटर करता है कि भाई कम से कम फॉर्म आए, हम उसके लिए अप्लाई करें, अपनी तैयारी जारी रखें। इसकी तैयारी के लिए बच्चों आगे मैं आपको ये भी बता दूंगा कि रेडियो ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर और यूपीएसआई एएसआई में क्या चल रहा है ना, जो हमें जानकारी प्राप्त है उसके अकॉर्डिंग। बट एक चीज़ समझना कि अगर यूपीपी कांस्टेबल की आप तैयारी कर रहे हो तो अभी से आप स्टार्ट कर दो, इसमें ज़्यादा समय नहीं है। और बहुत जल्दी, जैसा कि टीम परीक्षा प्लस ने बोला था कि कांस्टेबल की एकदम निशुल्क बैच चलाएगी, ये फ्री बैच चलाएगी, तो फ्री बैच इसका बहुत जल्द यूपीपी कांस्टेबल का लॉन्च होने वाला है। आपको बस करना इतना है कि ये जो आप परीक्षा प्लस यूट्यूब जिस चैनल पे ये वीडियो देख रहे हो उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, परीक्षा प्लस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में ही टेलीग्राम, टेलीग्राम दिया हुआ है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दी हुई परीक्षा प्लस की, और परीक्षा प्लस ऐप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है इसकी जो फ्री क्लासेस हैं वो परीक्षा प्लस ऐप पे ही चले, यूट्यूब पे ना चले। तो ये सारी जानकारी आपको मिले यूट्यूब से, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए, परीक्षा प्लस ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए, ताकि सारी चीज़ें आपको वहाँ पर जब भी इसका फ्री बैच, बहुत डेडिकेटेड बैच होगा, हम ये नहीं कह रहे केवल प्रैक्टिस बैच, ऐसा नहीं है, एक कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस प्लस आपका टेस्ट, सब कुछ बहुत विद्वत तरीके से जीरो टू हीरो लेवल में, जैसे हमने इससे पूर्व में सारे निशुल्क क्लास को, निशुल्क बैच को, कंप्लीट बैच जो कोई पेड में पढ़ाता है उससे कहीं ज़्यादा गुणवत्ता आपको फ्री बैच में हम लोग देने की यहाँ पे प्रॉमिस करते हैं और देते भी हैं। जो बच्चे हमसे जुड़े हैं वो इस बात को जानते हैं। तो एक अनाउंसमेंट आपके लिए बहुत बड़ी मैं आज फिर से कर रहा हूँ कि यूपीपी कांस्टेबल का पूरा बैच, पूरी जो ऑनलाइन टीचिंग होगी वो सब कुछ आपका क्या रहेगा, वो फ्री रहेगा, निशुल्क रहेगा, एक रुपए भी फीस आपसे उसमें नहीं ली जाएगी। तो ये मेरा वादा है आपसे, अपनी तैयारी शुरुआत कर दो। कब इस चीज़ का बैच लॉन्च करेंगे उस चीज़ को भी मैं जल्दी से आपके सामने आके बता दूंगा। बाकी जो बच्चे रेडियो ऑपरेटर और फॉर्म भर, रेडियो ऑपरेटर का फॉर्म भर दिए थे या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर का इंतजार कर रहे हैं, रेडियो ऑपरेटर की बात किया जाए या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर की बात किया जाए या फिर आपकी नई भर्ती एसआई आने वाली है और एएसआई आने वाली है, ये दो नई भर्ती आने वाली हैं। इसमें पद थोड़े से कम हैं, एएसआई में तो ठीक ठाक है, फिर भी एसआई में जैसे आते हैं उस हिसाब से पद थोड़े से कम हैं। तो रेडियो ऑपरेटर की फॉर्म भरा जा चुका है, इसका केवल पेपर होना है। पेपर इसका अब हो सकता है कि मई जून या बहुत ज़्यादा जाएगा तो जुलाई तक आपको यहाँ पे पेपर कंडक्ट कराया जा सकता है रेडियो ऑपरेटर का। धीरे धीरे इधर भी आप अपनी तैयारी स्टार्ट करिए। कंप्यूटर ऑपरेटर का फॉर्म आना है तो जिस समय आपका कांस्टेबल का आएगा उन्हीं के विद इन 10 डेज में आपका कंप्यूटर ऑपरेटर भी आ जाएगा, उसमें अब ज़्यादा देर नहीं होना है। तो अप्रैल महीने में उत्तर प्रदेश कांस्टेबल, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड जो है वो अपनी स्पीड थोड़ा सा तेज करेगी, ये बात सही है, लेकिन कितना तेज करती है समय बताएगा। बाकी कोई जानकारी अगर आपको चाहिए या प्रश्न आपके दिमाग में हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। फिर मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।